फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x/(x-4) प्लस 2x-5/(x-3) इक्वल टू 25/3। जब इसका एलसीएम लेंगे x-4 x-3 सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2x((x-3) प्लस x-4) दूसरे ब्रैकेट में होगा 2x-5 इक्वल टू 25/3। इसको सॉल्व करेंगे 2x²-6x + 2x²-5x, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x²-5x - 8x + 20, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो नीचे आइए आ जाएगा इक्वल टू 25/3। अब यहाँ पर ये 2x², 2x² 4x² हो जाएगा, -8, 5, माइनस का 6 है, माइनस का 5 है, -13 है, तो ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस, ऐड कर देंगे आ जाएगा +20 है। और इसी तरह नीचे x²-3x-, और इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 4x²-19x + 20, 5x²-7x + 12, 25/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 ब्रैकेट में 4x²-90x + 20 इक्वल टू 25x²-7x + 12। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12x²-57x + 60 इक्वल टू 25x²-175x + 300। 0 = 25x²-12x²-175x + इधर से आएगा ये -57x + 300, इधर का प्लस आएगा -60 हो जाएगा। और जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे 25 में से 12 गया 13x², इसमें से माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो -118x प्लस का 300 में से 60 माइनस होगा तो प्लस का 240 इक्वल टू, इधर से 0 इधर आ जाएगा तो आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो आएगा 13x²-118x + 240 इक्वल टू 0। इसका जब फैक्टर करेंगे 13x²-78x - 40x + 240 इक्वल टू 0। 13x कॉमन ले लेंगे, x-6 - 40 कॉमन ले लेंगे, x-6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा, x-6 13x - 40, ये जो 240 × 13 का ऐसा फैक्टर करना है कि प्लस करने पर 118 आ जाए, x-6 और यहाँ आ जाएगा 13x - 40 इक्वल टू 0। इफ x-6 = 0 x = 6, इफ x 13x - 40 = 0 x = 14/3। तो यहाँ पर दो वैल्यू होंगी, या तो x = 6 होगा या x = 40/3। धन्यवाद।